हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वनिता मेकर में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको मैनीक्योर पेडिक्योर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में जानकारी दूंगी। सारे टूल्स के बारे में बताऊंगी कि कौन से टूल्स किस लिए यूज़ होते हैं और इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आने वाले वीडियो में आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको टूल्स के बारे में जानकारी देती हूँ। तो सबसे पहले हमें पेडिक्योर में जो है ये शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। ये शैम्पू हम पानी में डालेंगे और उसके बाद में रोज़ वाटर डालेंगे, ये आप देख रहे होंगे। थर्ड हम डालेंगे ये डाबर का रिटोल है। इससे डालने से ये बेनिफिट है कि नेल्स में जो कुछ फंगस वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं लगते, नेल्स क्लीन रहते हैं हमारे। कई बारी कुछ फंगस लगने से कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके बाद हम ये ब्लीच ब्रश है, इसे हम ब्लीच अप्लाई करते हैं। और ये है नेल पेंट रिमूवर, ये आप देख रहे होंगे। इसे हम नेल पेंट रिमूव करेंगे। और इसके बाद हमें दो बाउल की ज़रूरत पड़ती है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें क्या है कि एक में हम स्क्रब डालेंगे और दूसरे में हम ब्लीच डालेंगे, या फिर आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हो। एक में स्क्रब डाल लो, एक में क्रीम डाल लो, जैसा आपको सही लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हो। दो बाउल हमें ये ज़रूरत पड़ती है और तीसरे बाउल की हमें ब्लीच बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये ब्लीच ब्रश हो गया और ये बाउल हो गया मिक्स करने के लिए। तो मैं आपको पेडिक्योर के बारे में बता रही हूँ। तो उसके बाद हमें पेडिक्योर में हमें ये इस स्क्रबर की ज़रूरत पड़ती है, ये स्टील का होता है। इसे डेड स्किन जो होती है हार्ड वाली अच्छे से निकल जाती है। सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे एड़ियों में, और सेकेंड हम ये यूज़ करेंगे एड़ियों में। ये सॉफ्ट करने के लिए होती है स्किन, एड़ियों को सारी डेड स्किन निकालने के बाद इसे सॉफ्ट होती है, इसको भी स्क्रैपर ही बोलते हैं। और इसके बाद हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है ये नेल्स क्लीन करने के लिए। नेल्स में जैसे स्क्रब वगैरह फंस गया हो, डेड स्किन हो, उससे हम नेल्स को क्लीन करने के लिए ये ब्रश। और ये है बफर, बफर जो नेल्स जो हमारे येलो होते हैं, नेल्स कई बारी नेल पेंट लॉन्ग टाइम नेल पेंट लगाने से नेल्स येलो हो जाते हैं, तो ये हमें बफर करने की ज़रूरत पड़ती है, ये नेल्स इससे शाइन करते हैं। ये हम मैनीक्योर पेडिक्योर में दोनों में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेल्स के लिए है ये। ये है फाइलर, नेल फाइल करने के लिए। और ये है पुशर, ये डेड स्किन रिमूव करता है। ये पुशर जो है ये नेल्स पे हम ऐसे इस पे कॉर्नर सारे अच्छे से क्लीन करते हैं क्रीम लगा के, ये आप देख पा रहे हैं। और ये है क्यूटिकल रिमूवर, क्यूटिकल रिमूवर जो है ये हमारे कॉर्नर्स पे जो हमारे डेड स्किन होते हैं नेल्स पे, ये बैक साइड पे पीछे सारी ये इस कॉर्नर को हम अच्छे से क्लीन करते हैं इससे, ये क्यूटिकल रिमूवर है। और ये है नेल्स क्लीन करने का एक टूल्स, नेल्स के इन साइड में हम क्लीन करते हैं इसको। जैसे नेल्स, ये नेल्स है हमारे, इसके हम अंदर के साइड क्लीन करते हैं ये चीज़, ये कुछ भी इसके अंदर फंसा हो ये इससे निकालते हैं। और इससे इसके बैक साइड पे भी दिया हुआ है, इससे भी हम क्लीन करते हैं। और ये है नेल कटर, नेल्स कट करने के लिए। और ये है पेडिक्योर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है साइड कटर,
नेल्स का जो है कॉर्नर कट करने के लिए, ये है साइड कटर, इसे हम साइड कट करते हैं। कई बार हमारे नेल्स जो थम्स में होते हैं कॉर्नर्स अंदर तक बहुत ही ज़्यादा तक चुभे होते हैं, तो उसको कट करने के लिए सबसे अच्छा ये टूल्स है, बहुत ही यूज़फुल टूल्स है ये। तो ये था सारा पेडिक्योर के टूल्स, और अब मैं सिर्फ आपको सिर्फ मैनीक्योर में कौन से टूल्स यूज होते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। सिर्फ मैनीक्योर में हम एक तो शैम्पू तो यूज़ करेंगे, सेकंड हम डिटॉल भी यूज़ करेंगे, और हम रोज़ वाटर भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम हाइड्रोजन अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं, पर यह है कि हाइड्रोजन यूज़ करने से जो है कि वो कुछ उसके नुकसान भी हैं, मतलब बहुत ही हार्ड हो जाती है स्किन, पैर कई बार फटने भी लग जाते हैं उससे, तो हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग एक तरह से केमिकल है वो, तो हम हाइड्रोजन नहीं यूज़ करते। ये अपनी मर्ज़ी है, अगर आप किसी ने यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, पर वैसे उसको यूज़ नहीं करना चाहिए हाइड्रोजन अमोनिया। उसके लिए सॉल्ट आता है, हम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैनीक्योर में हमें फाइलर की ज़रूरत पड़ती है, सेकेंड हमें क्यूटिकल कटर, यह है क्यूटिकल कटर, और ये है पुशर, और ये है नेल्स क्लीनर। इनसाइड में नेल्स क्लीन करते हैं ये मैनीक्योर में, और ये है बफर, नेल्स शाइन होते हैं इससे, डेड स्किन रिमूव हो जाती है। लॉन्ग टाइम तक नेल पेंट लगाने से जो येलो लेयर आ जाती है हमारी नेल्स पे वो अच्छे से रिमूव होती है। और ये नेल्स क्लीन करने के लिए ब्रश की जरूरत पड़ती है। और ये नेल कटर की जरूरत पड़ती है नेल्स कट करने के लिए। और सेम हमें ये ब्लीच बाउल चाहिए ब्लीच लगाने के लिए, और ये स्क्रब बाउल चाहिए स्क्रबिंग करने के लिए, और ये क्रीम बाउल चाहिए हमें मसाज के लिए। देन हमें एक बाउल और भी चाहिए होता है पैक लगाने के लिए, वो हम किसी पेडिक्योर में लगाते हैं किसी में नहीं लगाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे बेसिक पेडिक्योर होते हैं, कुछ हमारे एडवांस होते हैं और भी अच्छे, जैसे मैनीक्योर उसमें हो गया, फ्रेंच हो गया, चॉकलेट हो गया, और पैराफिन हो गया, कुछ हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि अब हमें ज़रूरत है तो लगाते हैं हम। तो ये थे हमारे मैनीक्योर पेडिक्योर के सारे स्टेप के मैंने आपको टूल्स बताए, और लास्ट में हम नई चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, ये है स्पॉन्ज। ये मैनीक्योर पेडिक्योर में दोनों यूज़ होता है, ब्लीच उतारने के लिए और स्क्रब रिमूव करने के लिए। ये हम पानी में डिप करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और वैसे ये हार्ड रहता है ड्राई होने के बाद। लास्ट में हम मैनीक्योर पेडिक्योर करने के बाद अगर हमें ज़रूरत है तो हम नेल पेंट अप्लाई करेंगे, ये कोई भी नेल पेंट आप लगा सकते हो। वैसे हमें मैनीक्योर पेडिक्योर करके बाद नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए कुछ टाइम तक, एक दो दिन हमें रुकना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे नेल्स को ऑक्सीजन मिलना चाहिए और थोड़ी हवा मिलनी चाहिए उसको, दो दिन हमें कम से कम उसको फ्रीज छोड़ देना चाहिए। तो ये थी मैंने आपको मैनीक्योर पेडिक्योर के सारे टूल्स के बारे में बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैनीक्योर पेडिक्योर में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, और आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। फुल लेंथ मैं आपको पूरा ब्यूटी का कोर्स सारा कुछ डालूंगी यूट्यूब पर, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।